रोहित शर्मा ने राजकोट में छक्कों की बारिश कर बनाए 5 धांसू रिकॉर्ड, क्रिस गेल भी छूटे पीछे। तो दोस्तों दिखाएंगे आपको रोहित शर्मा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, साथ ही बताएंगे उन्होंने छक्कों की बारिश कर कौन से 5 धांसू रिकॉर्ड बनाए हैं, साथ ही क्रिस गेल को कैसे छोड़ा पीछे। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक विस्फोटक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भारतीय टीम ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे गवाया। भारत को राजकोट के मैदान पर 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 353 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय पारी 49.4 ओवर में 286 रन पर सिमट गई। हालांकि भारत 2-0 से सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहा। भारत ने पहले वनडे मैच में 5 और दूसरे मैच में 99 रन से जीत हासिल की थी। इसके अलावा हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अलग ही मूड में नजर आए। राजकोट के मैदान पर 353 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने महज 31 गेंदों में 50 पूरी कर ली। हालांकि रोहित शतक से चूक गए। उन्होंने 57 गेंदों का सामना करने के बाद 81 रन जुटाए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 6 छक्के लगाए। रोहित ने छक्कों की बारिश कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है। चलिए आपको रोहित द्वारा बनाए गए 5 धांसू रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 550 सिक्स जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित ने 471 पारियों में यह आंकड़ा छुआ, जबकि गिल ने 544 पारियों में इतने सिक्स जमाए थे। हालांकि गिल 553 के नाम फिलहाल सर्वाधिक इंटरनेशनल सिक्स का रिकॉर्ड है। रोहित को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए महज 3 छक्कों की जरूरत है। इसके अलावा रोहित ने एक देश में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ा है। रोहित ने भारत में 557 और गुप्टिल ने न्यूजीलैंड में 556 सिक्स मारे हैं। रोहित इसके अलावा सबसे पहले 350, 400, 450, 500 और 550 छक्के जड़ने वाले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। तो दोस्तों आप भी रोहित शर्मा की इस बड़ी उपलब्धि पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।